अमान बेटा, क्या तुम्हारी माँ इतनी बुरी है कि तुम उसे सजा देने के लिए छोड़कर ही चले गए? मैं जानती हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे चले जाने के बाद मैंने वो वक्त कितनी मुश्किल से गुजारा है। सारी गलतियां आपकी नहीं थी, कुछ कसूर मेरा भी था, जिसकी सजा के तौर पर सारा और उसका बच्चा मेरे नसीब से छिन गया। और फिर अशर, पता नहीं फायजा को मैं जिंदगी भर देख सकूंगा या नहीं। जब मैं भी कभी अशर को खुद से दूर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद इस घर की वो वाहिद रौनक था जिसमें मुझे तुम नजर आते थे। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि एक माँ के लिए उसके औलाद की जुदाई क्या होती है। बस इसीलिए मैंने अपना दिल मजबूत करके फायजा को उसकी औलाद लौटा दी। ठीक है, आपने शायद इसी तरीके से हम अपने गुनाहों का कफारा कर सकें। तो मान बेटा, तुम मुझे कोई भी सजा दे लेते, मुझसे जिंदगी भर बात ना करते, लेकिन इस तरह छोड़ के तो ना जाते। ये मेरे लिए बहुत कड़ी सजा थी बेटा, तो बहुत ज्यादती की मेरे से। क्यों छोड़ के गए थे तुम मुझे इस तरह? मुझे तो लगा था मैं जिंदगी भर अब तुम्हें नहीं देख पाऊंगी। क्योंकि मामा, मैं अपनी जिंदगी का आधा अधूरा बोझ नहीं उठा सकता था, और जब मुझे पता चला कि आप लोग फायसा को लेने जा रहे हैं, तो मैं खुद को सजा देने के लिए निकल पड़ा। और मैं चाह रहा था कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर लूं, क्योंकि इस आधे अधूरे बोझ के साथ मैं फायदे के सामने नहीं आ सकता था। वो तो बला हुसैन का जो वक्त पर आ गया और उसने मुझे बचा लिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं किंजा के लिए उसको बददुआ दूं या तुम्हारे लिए दुआ। मम्मा, मैंने वहां इतने दिन गुजारे, मैंने जहन को देखा है। उसने जो कुछ किंजा के साथ किया उस पर वो शर्मिंदा था। वो चाहता है कि वो किंजा से माफी मांगे, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। प्लीज आप किंजा से एक दफा बात करके देखें कि वो जहन को माफ करते हैं। ठीक है, मैं करूंगी उससे बात। मामा, अब आपको आपका बेटा मिल गया, मुझे कहाँ लिफ्ट करवाएंगी आप? अच्छा, तो तुम क्यों जेलिस हो रही हो? जल नहीं रही हूँ, मैं बस ये बताने आई थी कि पापा खाने पे वेट कर रहे हैं। अरे बेटा, चलो आज तुम्हारे पापा इंतजार कर रहे हैं खाने पे। बहुत दिनों के बाद उन्होंने इस तरह की फरमाइश की है, वरना वो तो अपना खाना पीना सब भूल चुके थे। चले फिर, पापा वेट कर रहे हैं। जी मामा, ये लीजिए लीजिए, और ये अपनी दवाइयां खाएं। मैं नहीं खा रही ये बदमजा सी दवाइयां बेटा। क्यों नहीं खाएंगे आप ये मेडिसिन? मामा, आपको ये मेडिसिन तो खानी पड़ेगी ना। देख रहे हो ना मान, तो अब तुम आ गए हो ना, तो मामा कह रही मेडिसिन भी नहीं खाएंगे। भाई जाहिर है, मेरा बेटा आ गया तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मुझे नहीं जरूरत इन दवाइयों की अब। मामा, लेकिन मेडिसिन तो खानी पड़ेगी ना, ये कोर्स भी कंप्लीट करना पड़ेगा और डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा चेकअप के लिए। हरगिज नहीं, डॉक्टर के पास तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। अमान, तुम ही समझाओ ना मामा को। ओके मामा, आपको डॉक्टर के पास अपने चेकअप के लिए जाना होगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं अपनी माँ को पहले की तरह फिट देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो फिर मेरी एक शर्त है। जी बोलिए। मैं एक शर्त पे जाऊंगी कि तुम मुझे लेकर जाओगे डॉक्टर के पास। ठीक है, मैं अपनी प्यारी सी मामा को खुद लेकर जाऊंगा, बस खुश। अच्छा चने, फिर इस बात पे मेडिसिन भी खा ले। तो खानी होगी। ये